सामने क्यों कैसे हैं सब उम्मीद से पहले से हैं और ठीक ठाक हैं। तो आज के ब्लॉग में आप सबका वेलकम करते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी व्हाट्स इनसाइड माय मेकअप बॉक्स। लेकिन एक सेकंड, ठीक है, मेरी मेन प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, मेरी मेन मेन आइटम्स क्या होती हैं, वो सब मैं आपको शो करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है ना एक काम है वो निपटा लें। शाम के टाइम पर मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त है। लेट मी शो यू फर्स्ट, चेक करें। मुझे लग रहा है कि आज ना कोई बारिश का सीन हो जाएगा। मस्त जोक मारा रे। करना है रूम अपना A1 सेट, ठीक है। बेडशीट मैंने चेंज करनी, तो सबसे पहले उसको चेंज करते हैं। A few moments later. ये वाली अच्छी लग रही है ना सब पे। Where is my makeup box? मेरा मेकअप बॉक्स जो है ना रिस्क पे है, क्योंकि उमाइजी ने एक एक चीज ट्राई करनी है, तो लेकिन कोई बात नहीं। ये है वो बॉक्स जिसमें मैंने सारा मेकअप अपना डाला हुआ, ठीक है। इतना कोई खास मेकअप नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन जो भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेकअप का मुझे एज सच मतलब कोई शौक भी नहीं है। ये वो मेकअप है जो बस मैंने ऐसे ही इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। तो अभी जो अंदर चलते हैं और अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी बेटा जी, आपको मुझे पता है आपने उसको जाते साथ फौरन खोलना, मायजा करेगी इसकी अनबॉक्सिंग। हाँ जी, एक मिनट रुको। देखा। अच्छा मैं पहले एंगल सेट कर लूं, ठीक है। हाँ ऐसे, ऑल राइट, हाँ यूं ठीक है। ये चीजें तो नहीं चाहिए रहो। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये फाउंडेशन, ठीक है, मिस रोज, ये मिस रोज की है, जो कि मैं इसके अलावा मैं नार्स यूज करती हूँ, ठीक है। वो इसने तोड़ती है, इसने गिराई है और वो सारी टूट गई, ठीक है। उससे पहले मैं ओरिफ्लेम यूज करती थी, लेकिन अब मैं ओरिफ्लेम यूज नहीं करती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। माइजी बेटा आप इधर बैठ जाओ। अच्छा चलो, आपको आपका टीथी ब्रश भी मिल गया, मैंने इसमें ही छुपाया था ताकि आप पकड़ो ना, लेकिन क्या करूँ मैं। सेकेंड जी आ जाते हैं हमारे पास, मेरी फेवरेट चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँ, बाकी चीज़ें तो बाद में। रुको पहले मैं एसी ऑन करूँ और फैन ऑफ करूँ। ओके तो है माइजी, मेरी पैलेट किधर गई? हाँ वो पड़ी हुई है। आज की वीडियो तो मैं बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन माइजा को मैंने कभी भी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाने दिया, क्योंकि सारी बात है ये ऐसे ही करेगी। अभी कुछ चीज़ें ओपन होंगी ना, तो एक एक ओपन करके भी दो। ये वाली ग्रो पैलेट, ये मेरी मोस्ट फेवरेट बेस्ट है, ठीक है। ये इससे मैं अपनी आईब्रोज करती हूँ, इसमें सारी हर तरह की शेड्स आ जाती हैं, तो इसके साथ ही मैं अपनी आईब्रोज डन करती हूँ जब भी मैंने कोई इवेंट वाला मेकअप करना होता है। तो ये जो है ना मेरे पास मेरी शादी के टाइम से एंड स्टिल है, और बस जहाँ से लिया था बस रहने दे। बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैंने जो है ना इकट्ठी की हुई हैं अपने लिए, जो मेरी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है, और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जाने नहीं दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, बहुत सी चीज़ें बीच में यूं ही पड़ी हैं, ठीक। ये क्या आया ना बीच में यूं ही है। अब इसमें से कुछ ऐसा सच मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब इसमें वो वाली शेड्स हैं जो मैं बेसिकली यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। ये वाली जो है ना ये यूज़ करती हूँ। बेटा आपने इसके साथ क्या करना है? अच्छा जी, उसके बाद ये वाली, ठीक है, इसमें शेड्स मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, ये वाली पैलेट में, लेकिन वो भी जस्ट ये ब्लैक की, ब्राउन की, जब आई मेकअप करना होता है। अदरवाइज तो आई मेकअप भी मैं, खैर मैं शादी जब मेरी हुई थी तब मैं उस टाइम पे किया करती थी, अभी मैं लाइट वाली शेड्स ही यूज़ करती हूँ। तब भी इतनी ज़्यादा नहीं थी यूज़ करती, क्योंकि अली को बेसिकली इतना ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, लड़कों को मेकअप पसंद नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये वाला हाईलाइटर, ठीक है। अभी ये इसके अंदर से थोड़ा सा ज़रा रफ हुआ, मैं अभी खोलूँगी नहीं इसको, क्योंकि माइजर ने फिर मुझे कहना है इसको भी ओपन करके दो। और इसके अंदर दो शेड्स ऐसी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, पिंक एंड सिल्वर हाइलाइटर की, ठीक है।
उसके बाद ये मिस रोज की ये वाली पैलेट, ठीक है ये बहुत अच्छी पैलेट है यार, इसमें इतनी ज़बरदस्त कलर्स है ना। मैं बहुत ही पीछे बैठी हुई हूँ ठीक है, लेकिन मैं इसकी क्लोज पिक्चर जो है ना लेके लगाऊंगी, इसमें बहुत अच्छी शेड्स हैं, बहुत अच्छी ठीक है। उसके अलावा ये ऐसे ही है ठीक है, इसमें सिर्फ मैं ये वाला जो हाइलाइटर है ना ये यूज़ करती हूँ, ऊपर वाला तो टूट गया हुआ है, ये वाला हाइलाइटर सिर्फ नोज कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, उसके अलावा बहुत कम ये शेड्स। चलो जी ये भी गया ये भी गया माय जी ठीक है जी। अब आ जाए जी क्रिस्टाइन का लूज पाउडर ठीक है, ये यूज़ करती हूँ मैं, ये भी मैंने ऐसे रखी है क्रेवलिन की ठीक है, ये भी स्टिक भी ऐसे ही पड़ी हुई है, ये भी मैंने शादी के टाइम पे ये चीज़ें ली थी तो ये ऐसे ही पड़ी, ये यूज़ नहीं होती है। हाँ माइजी बेटा मामा ने मेकअप नहीं करवाना बेटा बाबा के आने से पहले आप अपना हुलिया खराब करने लगे हो, मैंने आपको तैयार किया हुआ है ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए फिट मी का ठीक है, ये वाला पैनकेक फिट मी का ही जो है ना ब्रश ऑन जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, किधर गया माई ये ठीक है, ये वाली ये दो चीज़ें जो हैं ये भी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। नेक्स्ट जी आ जाते हैं ये वाला अच्छा है लूज़ पाउडर, ये लूज़ पाउडर नहीं एक्चुअली ये शाइनर है, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, ये ना थोड़ा वो पीची पीची सी शेड वाला, तो जब कोई बहुत ही कोई फैंसी वाला इवेंट होता है ना तब ये यूज़ करती हूँ मैं, अदरवाइज ये बहुत वो है। माइजा बेटा मेरा फेस नहीं खराब करो सोना, नेक्स्ट जी ये तो मेरे पास होती ही होती है। फिर आ जाते हैं अपने इस वाले कटारे पर ठीक है, मेकअप फिक्सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये भी लाजमी होना चाहिए। अच्छा यार ये भी मैं बहुत यूज़ करती थी भाई साहब, मैं तो आज सारी चीज़ें देख के परेशान हो गई क्योंकि मैं इसमें से यूज़ क्या करती हूँ, ये भी मैं पहले यूज़ कर किया करती थी, इसमें पीच एंड ब्राउन वाला है तो मैं इससे कभी कभार जो है ना कंट्रोलिंग मतलब कैरी करने के लिए बहुत ईजी होता है। ठीक है मैम मतलब आपको मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो यूज़फुल चीज़ें हैं, उसके अलावा गंदी पड़ा हुआ स्कार है एक्नी है उसके हिसाब से ये करेक्टर्स हैं, कलर करेक्टर्स हैं। हाँ जी ये मेरा फाउंडेशन स्पंज है। अच्छा जी मैं सैलून नहीं जाती क्योंकि मैं जो है ना आईब्रोज अपनी घर में ही डन करती हूँ, वो भी इसके साथ ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रेजर के साथ मैं अपनी आईब्रोज इसी के साथ करती हूँ। नेक्स्ट जी आ जाते हैं हमारे पास, मेरे पास इतनी ज़्यादा लिपस्टिक्स थी तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना फारिग भी की हैं ठीक है। ये वाला लिप ग्लॉस शाइनी वाला लिपस्टिक मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये रिवाज वालों की ठीक है, उसके अलावा ये वाला ब्लिस वाला जो है ठीक है, ये जो शाइनर अक्सर मैंने अपने मेकअप में भी लिप शेड के ऊपर लगाया था जिससे मेरी जो है वो न्यूट सी लुक आ जाती है ना, ये वो वाले हैं। अच्छा जी ये आईब्रोज वाली पेंसिल है, इसके आगे कॉम टाइप से बनी हुई है ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपनी आईब्रोज की एक लाइन पहले बनाती हूँ उसके बाद बीच में मैं फिलिंग करती हूँ। ये आ गया ब्रो मस्कारा जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ये मुझे आज नज़र आया बीच में तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी। आओ मेरा हाथ गंदा हो गया। आईलाइनर्स मैं हुदा के ये वाले केक्स वाले यूज़ करती हूँ ठीक है, एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, उसके अलावा मेरे पास ब्रशेस बहुत ज़्यादा है यार। ब्रो मस्कारे भी दो है मेरे पास, वाह बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स हैं, ये भी काम ख़राब वाला काम है, माइजन को पता चल गया ना तो
बाकी आईलैश ग्लू वाली भी यहाँ पे पड़ी थी, अदरवाइज जो है ना फेसिट की या इस टाइम की सबसे बेस्ट आईलैश ग्लू है, ठीक है, वो भी मैंने दोबारा भी परचेज करनी है, वो भी ख़त्म हुई हुई है। मेकअप ब्रशेस मेरे पास ये वाले होते हैं, और मेरे पास ऐसा के बहुत ज़्यादा ब्रशेस होते हैं, मैंने हर चीज़ का अलग अलग एक ब्रश रखा होता है। अच्छा, सबसे मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट हाँ, ध्यान का ये ग्लिटर, ये बहुत जरूरी, मैं पास आके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैं अपनी आई शेड्स जो है ना उसके बाद उसके ऊपर इसको हल्का सा लगाती हूँ टैप टैप करके। ये था मेरा मेकअप वाला बॉक्स जिसके अंदर चंद चीज़ें हैं, और अभी मैंने कोई भी न्यू चीज़ नहीं ली है, क्योंकि मुझे ऐसा जो है मेकअप इतना पसंद नहीं है, कि बस मैंने ऐसे ही यूँ कह रहे अपनी शादी के टाइम पर इकट्ठी कर ली थी, जो अभी तक काम आ रही है, जब एक्सपायर होंगी तो फेंक देंगे। भाई साहब क्या आप क्या कर रही हो, अल्लाह मेरी तौबा, भाई साहब नहीं, आपने उसमें तो नहीं लगाया क्या डॉलू? अच्छा चलिए, सॉरी मामा। और माइजा का स्टिल अभी मेकअप चल रहा है। माइजा ये आइस पे लगाते हैं, मेरी आइस पे लगाओ, मेरी आइस पे यहाँ पे, मेकअप स्पॉइलर जी। चलो जी, अभी मैं ये बॉक्स यहाँ से उठाऊंगी इससे पहले कि सारा ख़राब हो जाए, क्योंकि ये देख लें ये क्या कर रही है। अच्छा, वो जो मैंने आपको क्लोज अप दिखाना था, ये देखें, इसमें ये शेड्स हैं जो कि नो, ये वाली, बस अब माइजा को नई चीज़ मिल गई है। माइजा वो खराब हो रही है, माइजी खराब हो रहा है, बेबी माइजी मेरी न्यू पैलेट है, सोने क्यों रो रही हो, लाओ दो मुझे। इसने, मैं बॉक्स छुपाने गई हूँ, ठीक है, कि मैंने इसे लेके छुपाया, वहां पे पीछे रखा है, इसने वहां से पकड़ लिया, चला को ये अल्लाह मुंह के का गंदा हुआ है, चलाओ वॉश करें, ई नहीं वॉश करें, कम मेरे फेस पर भी इसने जो है ना मेकअप लगाया हुआ, तो मैं भी अपना गेटअप जरा ठीक कर लूँ बाबा के आने से पहले। हैं क्या माई साहब, इतना गंदा वाला मेकअप आपके फेस पर लगा ना, कितने डल लग रहे हो आप बच्चे, मैं लू फिर आऊ चलो। मुझे लेना आता है, मैं खुद नहीं ले रही हूँ, कर लो एंजॉय थोड़ी देर के लिए। ये वाली अच्छी लग रही है ना सब, बेटा मैं नहीं ले रही, सुना मैं नहीं ले रही आपसे। A few inches later. 1, 2, 3. डांट पड़ने लगी आपको बाबा से बेटा। 1, 2, 3. देखा, मैंने कहा था ना बाबा से डांट पड़ेगी। उसको ये कि उसका ब्रश ना ले ले, मैंने भी पहले लिया तो फिर कह रही थी। अच्छा बाबा को हगी तो दो ना, बाबा मिलने आए हैं ना। हाँ ठीक है, ओ गई है, ये गई। बाबा चबाते जाते साथ मिलते हैं। ये क्या? अच्छा चलो, अच्छा मैं ना पहले माइजा का खाना ले आऊं। दांत टूट गया तेरा? कैसे, क्या मतलब? निकलने से पहले इसका दांत टूटा, इधर देख, किधर? नहीं अली, ये करो वो देख, लेफ्ट साइड वाला दांत टूट गया। कहाँ टूटा है? अच्छा निकला ही नहीं है। क्या कर रहे हैं अली आप? मैं परी, मुझे परेशान कर दिया।
पापा ने परेशान कर दिया। अच्छा जी अली, पहले हम मर्जा को खाना खिला लूँ मैं, उसके बाद फिर हम भी खाने का कुछ सीन देखते हैं क्या करना है। A few moments later. आपका बेटा कहता है दमी तो कसीता लगाओ बार बार। ऐसे तो नहीं होता ना बेटा। बार बार तो नहीं ना लगाते, बस हो गया ना। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये देखिए जरा। Inches later. So finally our food is here. Yes. Maisa's hungry. खाने में हमारे पास सेवर का बर्गर, खाने में इसका क्रिस्पो और साथ में है जी सेवर पुलाव। चलो जी, खाना हमारा हो गया, ठीक है। बस अभी मैं जो है ना किचन को थोड़ा बहुत जो क्लीन करना वो करूँगी, और साथ में मैं अपने लिए रखूँगी चाय, और उसके बाद फिर मायसा को भी थोड़ी देर तक सुलाऊंगी क्योंकि उसके भी सोने का टाइम हो गया। ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया था सुबह, हमें एक्चुअली कुछ काम था तो हम वहाँ पे बिजी थे, तो फिर शाम को हम जाके फ्री हुए, फिर मैंने कहा चलो अब मैं अब कंटिन्यू कर लेती हूँ और मेकअप बॉक्स पे वीडियो बना लेती हूँ। इस ब्लॉग को करते हैं आज यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।